देखिए ऊपर क्यों, साइड वगैरह में देखा। ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हेडर एंड फूडर ग्रुप है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन उसी में दिए हैं, तो वो वहीं पे आएंगे आप। आप दोनों क्यों हंस रही हैं? तो आप यहाँ पे जहां कहीं भी डेट देना चाहते हैं वहां पे आप इनको मूव करके इस टाइप से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट और टाइम आ जाए इसका। अगर आपको कुछ बड़ा साइज लग रहा है कि बहुत बड़े हैं ये दोनों, तो आप इसका कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके, ये डॉट्स आ रहे हैं इन पर माउस पॉइंटर ले जाकर इनको छोटा भी कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे पता नहीं कि कितने एरिया में वो नाम और डेट लेगा, तो अपन अभी यहाँ पे इतना रख देते। अभी आप इसे क्या करेंगे, फॉर्म व्यू में देखेंगे। देखिए इस टाइप से आएगा आपका, ठीक है। और सामने लेना है तो क्या करेंगे, आप वो डिजाइन व्यू से एडिटिंग करेंगे। इसको मूव करके आप कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक। और कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आप इसको सेंटर में लेना चाहते हैं, ये साइड लेना चाहते हैं, टाटा को ये ले लेंगे आप। फिर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्म व्यू में देखेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा आप। मतलब जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे वो किस व्यू में होगी, आपकी डिजाइन व्यू में, ठीक है। फिर वो आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करें तो इतना आ जाएगा आपको। यहाँ पे अपन ने लोगो दे दिया और यहाँ पे अपन ये फॉर्म यहाँ पे ये बना लिया है, ठीक। अपन इसको राइट क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब अपन इस पर राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे अपन डिजाइन। इसके बाद जैसे कि ये फॉर्मेट है आपका, फॉर्मेट में आप देखते हैं ये बैकग्राउंड इमेज आ रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड पे इमेज देनी हो, जैसे वॉटर मार्क देते हैं आप एमएस वर्ड में, उस टाइप से आपको इमेज देनी है तो यहाँ से इमेज दे सकते हैं। या फिर आपको फॉर्म को कलरफुल करना हो तो ये फिल वाला ऑप्शन है आपका फॉन्ट में, इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करें, आपको जिस भी कलर में फॉर्म फिल करना है वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। और यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। तो जो भी कलर में लेना हो यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे फॉर्म व्यू में देखेंगे तो उस कलर में आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाता है। नहीं इमेज होगी, आप अपन इमेज देंगे ना अभी। अब हम ऐसे राइट क्लिक करती हैं और यहाँ पे अपन डिजाइन व्यू, ये कलर जो दिया हुआ है अपन ने, इसको अपन क्या कर देती है ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोर कलर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और कस्टम कलर में लेंगे, बस यहाँ से आपको दे देंगे जो भी आपको देना है। अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज, आपको इसके बैकग्राउंड में इमेज देनी हो तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये लोगो पहले से आ रहा है, अगर आपको यही देना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये इमेज आ जाएगी मतलब आपकी। या फिर आपको दूसरा कुछ देना है तो आप यहाँ से ब्राउज के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी अपन फिलहाल में यही दे देते हैं, तो देखिए आ गया आपका ये। अगर ये नहीं देना है, कुछ और देना है, तो आप इसमें ब्राउज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको क्या देना है यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे आप। जैसे हमें ये देना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको ओके करेंगे आप तो देखो वो इमेज आ जाएगी। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म व्यू में देखेंगे तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाएगा इतना, नहीं सेंटर में आ रहा है, साइड में नहीं आ रहा। नहीं ये रहता है कि आपने बैकग्राउंड में दिया है, बैकग्राउंड के इमेज को आप सेट नहीं कर सकते, वो उसके अकॉर्डिंग ले लेता है जितनी बड़ी आपकी इमेज। ज्यादा बड़ी इमेज देखिए हम बताते हैं फिर से, नहीं हम यहाँ से डिजाइन व्यू में चलते हैं, फिर से हम दूसरी इमेज लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ये ली फ्लावर वाली, ये वाली ली, ओके किया तो देखिए फुल पे आ गई है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है और उसको साइज के अकॉर्डिंग लेगा वो, तो और आपके सेंटर में लेगा। आप देखिए अगर यहाँ पे उसका साइज छोटा था तो उसने सेंटर में ले ली थी, अब आप इसे देखिए पूरे उस पे आ रही है आपके। लेकिन देखिए इसका भी पूरा अभी अभी भी ये इतनी बड़ी इमेज है कि उसका बैकग्राउंड था ना ब्लैक कलर का, वो नहीं दिख रहा, सिर्फ उनकी जो पत्तियां थी पिंक कलर की वो दिख रही है आपको। इतनी बड़ी इमेज है इसका साइज मतलब। हाँ तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड में भी यही आएगा, आपको सभी में यही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन इस पर राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको डिजाइन व्यू में लेते हैं। अब आपको रिमूव करना है तो जहां से आपने अप्लाई किया था वहीं पर चलते हैं अपन। कहाँ पे किया था अपन ने, यहाँ पे फॉर्मेट और यहाँ से बैकग्राउंड, कौन सी इमेज आई है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको नहीं मिल रही वो इमेज, अपन इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही कि डिलीट हुई है या नहीं हुई, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे से फॉर्म व्यू में देखेंगे डिलीट हो गई है।
अब आप इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे आप फिर से डिजाइन व्यू में करेंगे, पर नहीं में हट रही, यहाँ सो नहीं हो रही है आपको डिलीट हुई है या नहीं। फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको क्लोज करने से क्या होगा, आप इसे दोबारा ओपन करेंगे, फिर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे फॉर्म व्यू में लेंगे, सॉरी डिजाइन व्यू में लेंगे, हाँ, या फिर आप रिफ्रेश कर दें। यहाँ पे आप क्या करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से आपको रिफ्रेश करना रहेगा, या फिर पहले तो आप यहाँ पे फॉर्म व्यू में ले लेंगे, अगर आपको क्लोज नहीं करना फॉर्म व्यू में हटाने के लिए आप रिफ्रेश कर देंगे, लेकिन आपको डिजाइन व्यू से भी रिमूव करना है तो उसे आपको क्लोज करके ओपन दोबारा करना रहेगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपको, अपन इसको फिर से इसी पे चलते हैं डिजाइन व्यू में। अब आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हमने क्या क्या बताया आपको, हाइपरलिंक, इंसर्ट इमेज, लोगो, टाइटल, डेट और टाइम। इसके बाद हमने फॉर्मेट में आपको ये बैकग्राउंड इमेज बताया, ठीक है, आ जाएगा। अब ये ऑप्शंस करते हैं अपन, अल्टरनेट रो कलर, इसका यूज आपका इसमें नहीं होगा, फॉर्म में रो के लिए रहता है ये। तो आपका फॉर्म पहले आपको किस व्यू में लेना रहेगा, यहाँ पे डाटा शीट व्यू में। जैसे आप यहाँ पे डाटा शीट व्यू में ले लिया है इसको, जैसे अपन ने टेबल ली थी ना उस टाइप में मिलेगा, और ये कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो भी अल्टरनेट कलर रो में देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए एक रो आपकी कलर में रहेगी और एक आपकी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये सेकंड वाली रो पे क्लिक की, अब आपको किसी दूसरे कलर में करना है तो वो ले लेंगे आप, तो देखिए उसमें आ जाएगा आपको, ठीक है, फर्स्ट वाइट फिर सेकंड। जैसे अपन इंसर्ट टैब में एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब में कलरफुल टेबल लेते थे ना, तो उसमें भी आपकी एक रो कलर आती थी, एक वाइट आती थी या फिर दूसरे कलर में आती थी। इस टाइप से आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं इसमें, हाँ एक स्पेस लेगा वो आपका, ठीक है। तो आ जाएगा आपको, यहाँ से आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये थोड़े लाइट में रहेंगे आपको स्टैंडर्ड कलर, यहाँ से लेना है तो वो ले लेना। तो अभी अपन इसे क्लोज कर देते हैं, अपन इसको सेव नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अपन इसको नो कर देंगे। तो आप सभी को कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ लीजिए, जो भी कुछ नहीं आया हो किसपे, हाँ ये बताए थे हमने। अभी अपन फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसको फॉर्म व्यू में लेते हैं। तो अपन इसमें कितनी एंट्रियां की हुई है, 5, 6 नंबर से ब्लैंक है और इस टेबल में भी नहीं है आपकी एंट्री, ठीक है। तो अगर आप इस टेबल में एंट्री करेंगे तो वो इस फॉर्म में पहुंच जाती है, और इस फॉर्म में करते हैं वो टेबल में आ जाती है। तो हम एक बार और ये एंट्री करके बता देते हैं, पहले अपन टेबल में करते हैं, 6 नंबर की एंट्री अपन यहाँ पर टेबल में करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी एंट्री इस टाइप से दे देते हैं। ये नंबर डबल होगा यार, तो अपन लास्ट का अकेला चेंज कर दे, फिर बीच का चेंज कर देते हैं कुछ भी, नहीं ले लेगा अपन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी मेल आईडी दे देंगे, फिर यहाँ पे आपको फोटो अटैच करना, तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन देगा आपको। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ से जो भी इमेज लेनी है आप यहाँ से उसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, इसके बाद आप यहाँ से ओपन करेंगे और ओके करेंगे। अब आपको इसमें पता नहीं है कि सही इमेज अटैच हुई है या नहीं हुई, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन दे रहा है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज है क्या उनकी, मतलब यही फोटो है क्या उनका, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। अब अपन इस लिस्ट को राइट क्लिक करके सेव करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री नहीं मिल रही, देखने को फिफ्थ तक ही है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, होम पर क्लिक करेंगे, होम टैब पर रिफ्रेश, और यहाँ से रिफ्रेश ऑल, आप यहाँ से नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंट्री भी आ जाएगी निकिता नाम की, आ गई है। तो ये तो आपने किस में की थी, टेबल में। अब अपन फॉर्म में करते हैं डायरेक्ट एंट्री, तो ये ब्लैंक आ रहा है आपका नेक्स्ट। अब अपन इसमें करते हैं, टैप पे करते हैं अपन फादर नेम ले लेते हैं,